आप पलटने वाले आप लोग सही बात है कि नहीं? तो जो पासा पलटा हुआ है तो दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के लिए क्या नया साबित हुए हैं? ठीक है, काम करा रहे हैं। हाँ ठीक ठाक है। भाईचारा आज भी जिंदा है कि नहीं? भाईचारा जिंदा है कि नहीं? अब उनको देख लीजिए, महाराज जी को और आपको देखकर मुझे लगा बैठे थे, बस हमें लगा कि नहीं यार, वाकई लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इन लोगों को देखकर आज मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई उस कथन को सत्य साबित कर दिया गया। नमस्कार, ये है आजमगढ़, और आजमगढ़ में नए नवेली दुल्हन जब आती है तो बड़ा शर्माती है, लेकिन शर्माते शर्माते ऐसा कुछ कर जाती है जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ निरहुआ की। अभी हाले हाले समझ लीजिए कि शादी जैसे हो गया है, और वो हो गए हैं सांसद यहाँ के, और देख रहे हैं मौलवी साहब हैं, और यहाँ कुछ क्या किए हैं। मुबारकपुर है। अच्छा, आजमगढ़ मुबारकपुर है। पहले तो स्वागत है और मेरे चैनल पे आपका। हाँ, ये मुबारकपुर है, आजमगढ़ मुबारकपुर ये पड़ता है। अब बहुत अच्छा, मुझे एक बात लगा कि इधर आप हैं, उधर देखिए महाराज जी को दिखाइए। महाराज जी बड़ा मतलब एक जो होता है ना भाईचारा, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई जो हो रहा है उसको भी लेकर थोड़ा सा, और आप लोग से मिल के ऐसा लग रहा है वाकई आप लोग में प्यार है, एक इंसानियत आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदू एक जगह, न साधु एक जगह बैठ पाएगा, न मौलवी एक जगह, लेकिन आप लोग ने साबित कर दिया कि एक जगह बैठ के हम लोग कुछ कर सकते हैं। एकदम वाकई मजा आ गया। तो दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ के लिए क्या कर रहे हैं? आजमगढ़ के लिए क्या? आजमगढ़ के लिए मैं जब पता पाऊंगा, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। ठीक ठाक कर रहे हैं वैसे। अच्छा, हाँ नहीं जैसे यहाँ होता था कि आजमगढ़ अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता है। हाँ, गढ़ तो है। आज एकदम पासा पलट गया है। आप पलटने वाले आप लोग, सही बात है कि नहीं? तो जो पासा पलटा हुआ है तो दिनेश लाल यादव आजमगढ़ के लिए क्या नया साबित हुए हैं? ठीक है, काम करा रहे हैं। हाँ ठीक ठाक है। ठीक ठाक काम करा रहे हैं। हाँ ठीक। मिलने हैं कि नहीं कभी आप? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। अच्छा, कभी आते होते हैं कि नहीं? मिलते आए तभी। हाँ तो मिला ये मिले, मैं नहीं मिला हूँ भाई। अच्छा, आप नहीं मिले? नहीं, मैं नहीं मिला। अच्छा, काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? नहीं, ठीक काम कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। बीजेपी जिस तरह लोग क्लेम लगाते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ रहती है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, लेकिन इतना आप अच्छा बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए घातक है ऐसे, लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं आज साबित आपने कर दिया कि नहीं, भाईचारा आज भी जिंदा है कि नहीं? भाईचारा जिंदा है कि नहीं जिंदा? अब उनको देख लीजिए, महाराज जी को और आपको देखकर मुझे लगता है कि भाईचारा आज भी जिंदा है, और आप लोग तो पा के बड़ा खुशी हुआ किस तरह से। मैं कोई गलत नहीं ना कह रहा हूँ? नहीं नहीं, सही है। मैं बहुत ऐसा कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है। आप देख लीजिए, ये है आजमगढ़, और आजमगढ़ में आप समझ लीजिए कि अब ये सपा का नहीं बीजेपी का गढ़ हो गया है, है ना? पासा पलट गया है, बीजेपी का गढ़ हो गया है, और दिनेश लाल यादव जी यहाँ के सांसद है, और चाचा जी बता रहे हैं, मौलवी साहब बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है, तो सलाम है, होना चाहिए, क्यों गलत कर रहा हूँ? देखिए मौलवी साहब कुछ कर रहे हैं, तब तक हम बात करते हैं उनसे भी, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं क्या है इनसे। कर आते हैं आपके पास, बताइए, देख लीजिए, ये लोग दोनों लोग एक जगह बैठे थे, अब एक जगह बैठे थे, बस हमें लगा कि नहीं यार, वाकई लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इन लोगों को देख कर आज मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई उस कथन को सत्य साबित कर दिया गया। सही है। नहीं, सही है। अच्छा, जहाँ लोग क्लेम लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम खास तौर से साधु और मौलवी एक जगह नहीं बैठ सकता है, वहाँ आप लोग का प्यार देख के बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग तो बैठते हैं भाई, हम लोग तो कोई हम लोग में कोई था नहीं रहता, भेदभाव की बात। हाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं। अच्छा, आजमगढ़ एक प्रतीक है, मैं जानता हूँ कि आजमगढ़ लोग कहते हैं कि अखिलेश मुलायम का गढ़ है, लेकिन इसी गढ़ में झंडा गाड़ दिए निरहुआ है कि नहीं? सही है, सही सही है। अच्छा, निरहुआ जी कितना अच्छा काम कर रहा है। और ठीक कर रहा है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। काय मुझसे मिले थे वो, ऐसे तो मिले थे मुझसे? मिले थे। हाँ मिले थे। अच्छा, मिले थे। अब देखिए दिनेश लाल यादव इन लोग से मिले भी हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब इस ये मुबारकपुर चौक है। हाँ हाँ, तिरा है, समौदी है, समौदी मुबारकपुर समौदी तिरा है। दिनेश लाल यादव के अगर सांसद बनने से नया क्या यहाँ पे हो रहा है?
अभी रोड तो पहले दिखाई दे रहा है, हाँ रोड बन रहा है, रोड नहीं था पहले, रहा था तो बिगड़ा था ना, अब बन रहा है। अच्छा एक संदेश क्या देना चाहेंगे, जिस तरह से लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम बड़ा आपस में नहीं, लेकिन आप लोग का जो है तो क्या संदेश पब्लिक को देना चाहेंगे कि नहीं ऐसे जो विस्फोट करते हैं कि ये लोग ऐसे आपस में लड़े, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अरे ये संदेश देने वाले तो लड़ाने वाले तो रहबे करेंगे, लेकिन जब हम आप ये नहीं लड़ेंगे तो फिर लड़ा कर क्या करेंगे सर? हाँ। लेकिन लोग कहते हैं, हाँ कहते हैं, हाँ आज सब में जो कि दुष्टाचार है, दुष्टाचार तो सभी में है, हाँ चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम सभी में दुष्टाचार रहते हैं। हाँ तो एक ठे करता है ढेर लोगों को बिसाता है ना, वही बात तो है यार क्या। लेकिन आप लोग के देख के बड़ा अच्छा लगा, देख लीजिए वाकई उत्तर प्रदेश, लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद है कहीं धर्म है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इन लोगों को देख कर लगा मुझे आज एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में वाकई हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई हैं, और भाई का प्रतीक हो रहा है यहाँ पे सभी लोग। आप देख सकते हैं मौलवी साहब हैं, इधर देखें तो महाराज जी हैं, और इधर देखें तो हनुमान जी का मंदिर है, और बगल में आप अगर देखेंगे तो मस्जिद भी है। इस मस्जिद से सीधा साफ आपको साबित कर दें कि हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई हम लड़ते हैं यह प्रतीक हो रहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम लड़े, ये प्यार है और प्यार को बरकरार रखना है। क्या सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम वर्मा नाम है, शिवम वर्मा, शिवम वर्मा, लो वर्मा जी भी आ गए। वर्मा जी यहाँ पे देख लीजिए महाराज जी भी हैं और मौलवी साहब भी हैं जी, ये सब एक संदेश जा रहा है कि नहीं समाज? नहीं नहीं राइट है, अच्छा होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं आपस में लड़ना, हम ये दूरी कब मिटा देंगे, इसको मिटा देना चाहिए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो जो लोग कहते हैं गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसी बात, बड़ा अच्छा लगा। चलिए महाराज जी कुछ कह रहे थे, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या कहना चाहते थे, क्या दिनेश लाल यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिनेश लाल यादव के बारे में, अरे हुआ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे यार जो लोग कहते हैं वही मैं भी बता रहा हूँ। अच्छा जहाँ लोग कहते हैं ना कि नहीं हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहा है, वहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, कोई नहीं लड़ता यहाँ तो, हर एक धंधा सभी लोग एक ईद में हिंदू भी जाता है और होली में मुस्लिम भी आता है, दिवाली साथ में मनाता है, सब आते जाते रहते हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। अल्लाह बेटे हो गया, एक वर्मा जी थे वीरेंद्र यादव जी। अच्छा जिस तरह से यादव जी अगर बात कर लिया जाए तो यादवों का एक गढ़ माना जाता है, अब यादव तो पलट गए, अब सपा को छोड़ के बीजेपी में चले गए और बीजेपी की सरकार भी बन गई, सांसद दिनेश लाल यादव जी बन गए। तो क्या लगता है कि जहाँ लोग कहते थे कि मुलायम का गढ़ है, अखिलेश का गढ़ है, वही आज बीजेपी का गढ़ बन गया, ये सब कैसे साबित हो गया? अरे भाई यादव के नाम पर हुआ और कैसे होगा, सिर्फ यादव के नाम और अगर क्या लगता है कि दिनेश लाल यादव नहीं होते तो नहीं बीजेपी नहीं जाती, दूसरा कोई नहीं जीत पाता, एकदम कन्फर्म। कोई ना कोई बने करेगा। अच्छा जैसे अगर यादव ना होते तो नहीं जीतते कभी नहीं। चलिए भैया दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ, देख रहे हैं ये तिराहा है, तिराहा पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं, यहाँ दिनेश लाल यादव का गढ़ है और लोग माना यहाँ देखा जाए तो कार्य भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए किसी की बुराई करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अच्छाई भी कुछ दिखाएं हम, जो आते हैं मैं देखता हूँ कि बुराई करके जाऊँ, मैं दिनेश की बुराई करूँ, इनका बुराई करूँ, उनका बुराई करूँ, बुराई करने में क्या है, कुछ अच्छाई देखिए, इससे लोगों में एक बदलाव आएगा। अगर समाज में हमें बदलाव लाना है तो कुछ करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।